हर नेता जब दिल्ली में आता है तो किसानों के हित की बात करता है। चुनाव में जब हम वोट मांगते हैं तो किसानों से अगर वोट मांगते हैं तो उनके हित की बात करते हैं, लेकिन जब हम सत्ता पे आते हैं तो हमने मैनिफेस्टो में क्या लिखा, हमने भाषण में क्या किसानों को आश्वासन दिया है, वो इसी के लिए भूल जाते हैं। महाराष्ट्र में हमने किसानों को कर्ज मुक्त कर दिया, जो हमारा एक वचन था। अब कल जब ये पता चला कि पंजाब से अकाली दल की जो मंत्री है हरमीत कौर जी, तो इस्तीफा दिया किसानों के प्रश्नों के बारे में, तब पूरा देश जाग उठा है, राजनीति में हवा गर्म हो गई कि भाई क्या हो गया। सरकार ने जो दो ऑर्डिनेंस या बिल लाया है, सरकार का कहना है किसानों के हित में है, और अकाली दल का कहना है किसानों के हित में नहीं है, ये किसानों के साथ अन्याय है। अब ये मामला कैसा सुलझेगा? मंत्री ने इस्तीफा दिया, उसका मतलब है कुछ ना कुछ बिल में गड़बड़ है। किसी को पता ही नहीं बिल में क्या है, तो अचानक से आप लेके आते हो और चर्चा शुरू करते हो और वोटिंग कर देते हो। इसलिए ऐसे जो गंभीर मुद्दे होते हैं, दिल्ली में आप सबको बुलाइए ना, अरे भाई हमको मत बुलाइए, लेकिन एनडीए के जो आपके घटक दल है उनसे तो आप बातचीत करिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पंजाब इस देश का एक महत्वपूर्ण राज्य है, खास करके कृषि के बारे में, किसानों के बारे में सबसे ऊपर है, महाराष्ट्र भी है और पंजाब भी है। अगर पंजाब से ये आवाज़ उठी है बगावत की, किसानों के हित की और किसानों के अन्याय के खिलाफ, तो मुझे लगता है उनकी बात सुननी चाहिए। और मैं आपको बताता हूँ, पंजाब के साथ महाराष्ट्र खड़ा है। आपकी पार्टी जो है वो किसानों के साथ है, हरसिमरत कौर ने जो इस्तीफा दिया है, आपको लगता है कि सही इस्तीफा दे दिया सही समय पर? देखिए, पंजाब की बात है, पंजाब किसानों का राज्य है और जवानों का है। पंजाब का किसान, पंजाब में जय जवान जय किसान, ये नारा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर और अकाली दल, यानी सिर्फ अकाली दल नहीं होता है, ये कोई पार्टी का नाम नहीं है, ये विश्वास का नाम है, जो 25 साल से भी ज़्यादा एनडीए के साथ बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ, जैसे शिवसेना थी आपके साथ रहा है, अकाली दल और शिवसेना दो ही लोग आपके साथ हमेशा रहे, बाकी तो आते जाते पेइंग गेस्ट जैसे रहे ना। ये थे शिवसेना के सांसद और